हेलो गाइस, मैं हूं प्रदीप शर्मा और आप लोग देख रहे हैं पीएसजे व्लॉग्स। दोस्तों, लॉकडाउन ओवर हो गया है और लॉकडाउन पीरियड के बाद अभी हम लोग फर्स्ट ट्रिप पे अपने निकल रहे हैं। एक्चुअल में ये टाइटल शूट करना था तो अभी हम लोग यहां आए हैं। कल मॉर्निंग में हम लोगों को निकलना है। तो अभी जो हमारा पहला ट्रिप है ये उत्तराखंड का है और उत्तराखंड में माना तक अभी हमने जाने का फाइनल किया है। तो इस ट्रिप को वीडियो अभी मैं शेयर कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में आपको ये पता लगेगा कि अगर इस समय पे आप कहीं भी जा रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी या कहाँ क्या क्या चीज़ इस लॉकडाउन ने बदल दी है। वैसे तो बहुत कुछ बदल गया है, बट ट्रैवलिंग के लिए इसने क्या क्या बदला है, ये सिर्फ ट्रैवलिंग में क्या क्या चेंजेस हुआ है इसको देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में प्यार दीजिएगा, दिए गए बटन को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। लॉकडाउन पीरियड ओवर हो गया दोस्तों, अब समय है कहीं पे घूम के आने का, कुछ नया एक्सपीरियंस करने का। तो बस एक ऐसे ही इस ट्रिप पे आज जा रहा हूँ, खुद घूमने के लिए और आप लोगों को घुमाने के लिए, दिखाने के लिए। तो मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, थोड़ा सा हंसी मजाक मिलेगा। तो प्लीज़ वॉच टिल द एंड एंड बी विद मी। थैंक यू। हे माँ, माता जी, शक्ति दे माँ। गाइस, निकलते हैं अभी पहली फुर्सत में, चलो चलो। तो गाइस, ये रहा हमारा पुष्पक विमान। पुष्पक विमान को लंका से बाहर निकालने के लिए द्वार को खोलना पड़ेगा। वैसे तो आजकल पुष्पक विमान पेट्रोल से चलता है, जो अभी लास्ट 8 डेज में 8 रुपीज़ महंगा हो गया है। ले ली भाई, इतना महंगा। निकलते हैं अभी, लेट्स एंजॉय दिस। ये लोकल एरिया है, लोकेशन है बहादुरगढ़ विकास नगर, छछर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, हरियाणा स्टेट के अंदर आता है, दिल्ली NCR से अटैच होता है। जस्ट एंजॉय द म्यूजिक, फील द म्यूजिक। और ये भाई ने अपनी फ्लेक्सिबल बॉडी को कर्व करते हुए हमें रास्ता दे दिया है। थैंक यू भाई। ठोक दी, बच गया। और ये बेहद ही खतरनाक रास्ता, फीलिंग ही चेंज कर देते हैं ये लोग तो यहाँ पे। और ये है देसी रेसलिंग। गर्लफ्रेंड का चक्कर है बाबू भैया, गर्लफ्रेंड का चक्कर। साइड दीजिए भैया, साइड प्लीज। इधर मत आना भाई, इधर ही रहना भाई। चलो यार, यार जाने तो। आपके पधारने का धन्यवाद, थैंक यू जी। और ये एक और कार, मजा आता है ऐसे कार पर बाइक को चलाने का। अभी निकल तो गए हैं, लॉकडाउन के बाद फर्स्ट टाइम है ऐसा ट्रिप पे मैं कहीं जा रहा हूँ। अभी तक लॉकडाउन के बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं, किसी का कोई व्लॉग भी नहीं देखा है अभी तक। तो थोड़ा सा मन में डर भी है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मिलेंगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी, नो एक्सपीरियंस एट ऑल। चलो देखते हैं, आप लोग हो ना साथ में, बाकी ब्लेसिंग्स तो नहीं, देखते हैं जो भी होगा।
एंजॉय करते हैं। अभी फर्स्ट विलेज आया है और ये विलेज आप देख रहे हो, उस विलेज का नाम है बामनोली। तो जो मिस वर्ल्ड 2017 है मिस मानुषी छिल्लर, वो यहीं से है। एक तो गर्मी बहुत हो रखी है यार, आज 42 डिग्री टेम्परेचर है यार, वहाँ तक तो बुरा हाल हो जाने वाला है। अरे ये क्या गया, इसको बोलते हैं गाइस तेथन। आप ये बोल सकते हैं फादर ऑफ ऑटो रिक्शा। और ये कड़ी धूप में मेहनत करते हुए कुछ लोग रुकवा रखा है। चलो हमको तो नहीं रुकवाया, निकल गए हैं। आगे भी बहुत सारे नाके ऐसे आने वाले हैं, देखते हैं कहाँ तक गाड़ी चलती है अपनी। डॉक्यूमेंट्स तो अपने पास सारे कंप्लीट हैं, बट कुछ जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं अभी भी, कुछ कंटेनमेंट जोन्स पड़ते हैं। और ये रोड जो है मुझे सीधा सोनीपत लेके जाएगा, और सोनीपत अभी बहुत कंटेनमेंट जोन में, बहुत सारे केसेस हैं वहाँ पे भी कोरोना। तो गाइस भी स्टे होम स्टे सेफ, अभी थोड़ा सा इशू है। तो गाइस मैं आपको जो है अपने रूट के बारे में बता देता हूँ, अभी तक मैंने आपको अपने रूट के बारे में नहीं बताया है। बेसिकली अभी जो मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, ये मेरा एंडिंग पॉइंट होगा माणा। माणा जो है भारत का आखिरी गांव है, तो मेरा ट्रिप वहाँ तक का रहेगा, जिससे यहाँ से मेरा जो आज का ट्रिप रहेगा, मेरी कोशिश रहेगी आज ऋषिकेश में पहुँचूँ, और कल मॉर्निंग में मुझे ऋषिकेश से निकलना है जोशीमठ के लिए। एक सेकंड निकल जाए, सीधा ही निकलना होगा सीधे। तो कल जो मेरा ट्रिप रहेगा वो रहेगा ऋषिकेश से मुझे इवनिंग में माना तक पहुँचना है, बद्रीनाथ तक मुझे पहुँचना है, और बद्रीनाथ के पास मैं कल स्टे करूँगा, और नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो मैं वहाँ से निकलूँगा बद्रीनाथ और माणा के लिए। पूरा वहाँ का मैं इंजॉय करूँगा और आप लोगों को पूरा इंजॉय कराऊँगा। अब पूरा देखना और इंजॉय करना उसको। अभी ये क्या हो गया, ओके बहुत सारे गऊ माता, लोगों को भी बहुत प्रॉब्लम होता हुआ, इसमें इतना कैसा मैनेज करते हैं, कोई किधर भाग रही है कोई किधर भाग रही है। चलो भाई जाने दो, निकलो। तो यही मेरा ट्रिप रहेगा, अभी आप लोग भी इंजॉय करो इस ट्रिप में। यहाँ देखो ना कितना सारा है, बहुत सारा है इधर तो यार। UPI हो जाएगा भैया कार्ड से, कुछ भी नहीं लोगे यार, खोल किस लिए रखे हो यार। क्या कैमरा लगा, कैमरा पेट्रोल तो डाले नहीं हो यार आप, आ जाए आपसे। सोसाइटी देखो कितना अच्छा है यार, अच्छी लोकेशन पे सोसाइटी, एकदम फर्स्ट क्लास ग्रीनरी है। नाम क्या है सोसाइटी का, अभी नाम आएगा, इसका नाम है मैक्स हाइट्स मेट्रो व्यू। बहुत अच्छा सोसाइटी यार, लोकेशन भी एक नंबर का है, सोनीपत से थोड़ा सा पहले। अरे यार ये गूगल आंटी ना कहाँ कहाँ से रास्ता बता देती है, रास्ता उधर पीछे से था, सीधा जाना था, मैं गलत आ गया यार। गूगल आंटी भी ना कहीं कहीं से निकलवा देती है। ओह गॉड, कहाँ चलवाओगे, बैलगाड़ी नहीं है भाई मेरे पास में, कहाँ कहाँ से रास्ता बता रही हो। पाउडर लगाएगा ये तो बहुत सारा, अरे
पर यार हद कर दी। हाँ कर दी हो अरे भाई आराम से यार। अरे चलो रोड तो आया कम से कम। गूगल वाले भी भैया पता ना कहाँ कहाँ से रास्ता दिखा देते हैं। गूगल आंटी ने ले भी मेरी। चलो फाइनली कुछ तो आया रोड ठीक। नहीं यार फिर से बहुत गलत हो गया यार। मैं भाई कितना दूर लगेगा अरे आज पूरा बैग वैग कपड़ा कपड़ा दूर। अरे भाई ये फिर आ गया यार। भाई आराम से यार और लोग भी तो चलते हैं। उड़ा ले भाई तू दूर उड़ा ले। तू जा भाई तू जा तू जीत गया। बहुत बेकार रास्ता था यार। अरे गूगल की मत सुनना गाइस। गूगल के चक्करों में रहोगे ना यार तो पता ना कहाँ कहाँ से रास्ता बता देगा। इससे अच्छा तो किसी लोकल से पूछ लो तो बेटर रहेगा। फाइनली जीटी करना लाइव है पहुंचे तो सही। तो चलो गाइस चलते हैं ब्रेक के बाद। बॉम्ब्स में पेन हो गया था यार बैठे बैठे तो सोचा एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। अभी चले हैं। अभी हम लोग हैं मेरठ से आगे निकल गए हैं मुजफ्फरनगर रोड पे हैं और अभी हम लोग अंदर अंदर से आए थे तो अभी हम लोग मेन रोड पे चढ़ने वाले हैं। ये मेन हाईवे है अभी हमारे लेफ्ट साइड में दिल्ली को चला गया और राइट साइड में जो है ये हरिद्वार ऋषिकेश शहर। भूख भी लग गई यार कहीं कोई अच्छा सा होटल मिले तो कुछ खाना खा लिया। सुबह से कुछ नहीं खाया यार। यार हम लोग ना अभी खाने के लिए रुके हैं और इस ढाबे का नाम है गणपति टूरिस्ट नंबर वन। इस ढाबे पे अभी हम लोग रुके हैं खाने के लिए। एक्चुअल में आज है संडे और मुजफ्फरनगर के अंदर भी डिसाइड किया गया है कि संडे को ये लोग जो हैं पूरा मार्केट क्लोज रखेंगे तो कहीं पर भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। इन्होंने भैया से भी बात की है तो भैया ने बोला है कि हम आपको पैक करके दे देंगे। तो अभी पैक हो रहा है। हमने अभी जो ऑर्डर किया है वो एक सिंपल दाल फ्राई ऑर्डर किया है कुछ रोटियाँ ऑर्डर की है। तो वेट है अभी यार जल्दी से बहुत भूख लगी यार। सुबह से कुछ नहीं खाया यार चल ही रहे हैं। गर्मी इतनी है 42 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है। अभी देखते हैं आ रहा है खाना कितनी देर में आता है। ऑर्डर किया यार वेट कर रहे हैं विशाल आएगा अभी देखते हैं कुछ खाने के मिले यार। मैं आपको दिखाता हूँ ढाबा देखिए यार चीज़ें बहुत सारी हैं इसके पास भी पूरा मेन्यू है साउथ इंडियन का अगर आप देखेंगे तो। अभी हमको यहाँ पे ऐसा कुछ मिलेगा नहीं ठीक है तो हम लोग वेट कर रहे हैं। खाना चलो ये आ गई हमारी मीठी लस्सी विशाल का रायता और रोटी और सिंपल दाल ये देखो कैसी है।
ओके पानी और ये लंच बॉक्स। घर से भी हम लोग थोड़ा सा लेके आए थे खाने के लिए, बटर रोटी बोलनी थी यार। चलो यार। तो गाइस लंच हो गया, लंच के बाद अभी चल पड़े हैं और ढाबे पे खाना खाया है। खाना अच्छा था। अगर आप इस रोड से आए तो आप रुक सकते हैं, मुजफ्फरनगर से थोड़ा सा पहले ही पड़ता है ढाबा। थोड़ा सा कॉस्टली है बट खाना बहुत अच्छा है। बाबा जी का ढाबा है, गुप्ता जी के नाम से अच्छा ढाबा है। तो वहीं पे खाना खा रहे थे, तो अभी मेरे सामने जो भैया बाइक पे चल रहे हैं, भैया हमको वहाँ मिले थे। तो उत्तराखंड नंबर की इनकी बाइक है, तो हमने इनसे पूछा कि हम भी जो है ऋषिकेश जा रहे हैं फिलहाल, तो रास्ते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो भैया ने हमें बताया कि भैया अभी तो एंट्री अलाउ ही नहीं है अदर स्टेट की किसी भी पर्सन की। इवन अगर यूके नंबर की गाड़ी है तो उसको भी एंट्री लेने के लिए ई पास चाहिए। तो बड़ा दिक्कत में आ गए हैं यार। ऐसा कुछ भी नोटिफिकेशन नहीं है, गवर्नमेंट ने भी बोल दिया अब तो कोई भी स्टेट का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। बट अभी भैया ने बताया कि भैया अभी उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, उत्तराखंड सरकार ने अभी भी जो है पूरा स्ट्रिक्टनेस कर रखी है। अगर आप आ रहे हैं उत्तराखंड तो आपके पास या तो ई पास होना चाहिए या फिर आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से उत्तराखंड बॉर्डर जो है 25 किलोमीटर्स दूर रहता है रुड़की से पहले, तो वापसी तो क्या जाएंगे 25 किलोमीटर तक चल के देखते हैं। जो भी होगा देखते हैं, जैसे भी होगा चलते हैं। ओह ये देखो गाइस ये क्या हो रखा है भाई, जबरदस्त एक्सीडेंट। अरे इसका तो फेस ही बदल गया, अंडरटेकर वाली पटकी मार दी क्या। ये है दोस्तों उत्तराखंड बॉर्डर। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे बैरिकेड्स लगे हैं, हम लोग निकल गए। जान में जान आई है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद। हमारा निकलने का बड़ा रीज़न था बाइक, बाइक से थे इसलिए निकल गए। ये बॉर्डर पे अगर कार होती कोई भी व्हीकल होगा तो उसको आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे रुकवा रहे थे, लेफ्ट हैंड साइड पे उसको रुकवा रहे थे, वहाँ से उससे ई पास की डिमांड हो रहे थे। ई पास वगैरह अगर आपके पास है तभी आप क्रॉस कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपको जो है रिटर्न भेज दिया जाएगा। तो बेनिफिट हुआ बाइक का, थैंक यू गॉड। हाँ जी ओके ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो गाइस अभी भैया कह रहे थे कि यही लास्ट चेकिंग था, इसके बाद जो है आगे कोई भी बॉर्डर पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वही था मेन। अब वहीं आपने क्रॉस कर लिया, बाकी अभी आप आगे जा सकते हैं आराम से, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस फाइनली हमारी एंट्री हो गई है हरिद्वार के अंदर और इस वक्त हम जो है हर की पौड़ी के पास में हैं। अभी यहाँ पे भैया ने से हमने पूछा है कि अभी अगर आप आगे जाएंगे तो आगे भी कहीं बैरिकेड्स वगैरह मिलेंगे क्या, तो इन्होंने बोला कि हाँ अभी आगे आप जाओगे तो शांति कुंज जगह आएगी, वहाँ पर भी जो है अभी सख्ताई है काफ़ी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से जाना। ये जय भोलेनाथ हर की पौड़ी के पास में ही है अभी हम लोग। बाबा कोल्ड ड्रिंक पी लो आप, नहीं नहीं आप खाओ, लो कोल्ड ड्रिंक ले लो आप पियो बाबा। जय भोलेनाथ। तो गाइस निकल लिए हैं अभी हम लोग यहाँ से और चल दिए। अभी आपको अच्छे से व्यूज मिलेंगे। जय गंगा मैया। तो जितनी भी बार आए हैं ना हमें इस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं मिला है, ऑलवेज पिछले 4-5 साल से मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, अभी तक ये कंप्लीट ही नहीं हुआ है, कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है।
वाओ व्हाट अ व्यू। इससे भी अच्छा व्यू मिलेगा कल हमको जब हम आगे जाएंगे। कल ऋषिकेश के बाद जो है एक्चुअल उत्तराखंड स्टार्ट होता है और वहाँ से जो व्यू आपको मिलता है ना उसकी तो बात ही अलग है। ये उधर मनसा देवी है, अभी जो है शांति कुंज आने वाला है और शांति कुंज का ये बैरिकेड भी आया है। देखते हैं यहाँ पे क्या चेकिंग मिलती है, किस हिसाब से मिलती है। ओहो हो हो, चेकिंग है, चेकिंग है। बस निकल जाए यहाँ से, रुकवाए ना कोई। रोक रहे हैं गाड़ी, रोक रहे हैं गाड़ी, रोक रहे हैं। निकल जाए, निकल जाए साइड से, साइड से, साइड से। कर लिया है क्रॉस। आखिरी बैरिकेड, निकल गए, निकल गए, निकल गए और निकल गए। फाइनली शांति कुंज का बैरिकेड हमने क्रॉस कर दिया गाइस, और अब कोई बैरिकेड नहीं आने वाला रास्ते में, अब डायरेक्ट जो है ऋषिकेश ही आएगा। यहाँ से जो ऋषिकेश पड़ता है हरिद्वार से, वो लगभग 19 किलोमीटर पड़ता है और मैक्सिमम 35 मिनट्स लगते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो है रेलवे ट्रैक है, देहरादून जाता है रेलवे ट्रैक। ये कोई मिनिस्टर आया है भाई, साइड करवा रहे हैं सबको। मिनिस्टर है तो भैया साइड तो कराएंगे ना सबको। और अभी जो है जैसे ही हम ये फाटक क्रॉस करेंगे, फाटक क्रॉस करते ही लेफ्ट हैंड पे आएगा हमारा राजा जी पार्क आएगा। तो यहाँ पर भी काफी एनिमल्स मिलते हैं। ये देखिए बैरिक, इसका बोर्ड आ गया है राजा जी। वो सामने जो पहाड़ दिख रहा है ना गाइस, मुझे नहीं पता आपको कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, बट वही हमको जाना है। वही ऋषिकेश से थोड़ा सा आगे तपोवन आता है, वो तपोवन है। गाइस व्यू देखो यार, व्हाट अ व्यू, माइंड ब्लोइंग यार, जन्नत है यार, सच में जन्नत। अभी आप देखना आगे, अभी आपको और मजा आएगा। ये जो है ऋषिकेश स्टार्ट हो गया है और अभी ये ऋषिकेश मार्केट है। लक्ष्मण झूला की तरफ जाते हुए थोड़ा सा गलत चला गए थे हम लोग, एक्चुअली नीचे कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो हमें लगभग उधर से निकलना पड़ेगा, बट वापसी हो गए हम यहीं से, रास्ता है। तो फाइनली हम लोग जो है एक होटल में पहुंच गए हैं और बड़ी ही मुश्किल के साथ हमें होटल मिला है। तो अभी मैं आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अभी हम लोग जब यहाँ आए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस अप हुई, ताकि आप जब यहाँ आएँ तो आपको कोई प्रॉब्लम इनमें से ना देखनी पड़े। तो हमारे साथ जो मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे आया है, अभी हम लोग जब यहाँ हमने एंट्री किया तो एंट्री करने के बाद तो हमें कहीं किसी ने रुका भी नहीं, किसी भी चेक पोस्ट पर, ना ही हमसे किसी ने कोई ई पास की डिमांड की और ना ही हमसे किसी ने किसी भी तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट की डिमांड की। इवन हमको किसी ने बैरिकेड पर रुका ही नहीं। हम लोग जो है सीधा ऋषिकेश पहुँचे हैं। हम लोगों ने यहाँ कुछ खाना पैक करवाया सबसे पहले, क्योंकि यहाँ 7 to 7 का ही टाइमिंग है, उसके बाद जो है कंट्रोल लग जाता है तो सब शॉप्स वगैरह सब क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद हमने रेफरेंस से एक पास में एक रेस्टोरेंट है,
किसी से हमने पूछा कि कोई भी होटल आप सजेस्ट कीजिए नियर बाय जो बेटर हो, तो उसने हमें इंडियन कल्चर के नाम से एक होटल है जस्ट अब ये आपके लक्ष्मण झूला के पास में पड़ता है, तो हम लोग वहाँ गए, हमने उनसे बात किया, तो उन्होंने एक कंडीशन अभी बताया है और ये इसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं था। कंडीशन क्या है कि अगर दिल्ली या हरियाणा इन दो स्टेट में से कोई भी व्यक्ति इस समय उत्तराखंड आता है तो उसको कोई भी रूम होटल नहीं मिलेगा। एक गाइडलाइन जारी हुई है कि आपके पास वैलिड ई पास होना चाहिए या आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आपको होटल वाले जो है स्टे दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। दूसरी बड़ी बात, जब भी आप अगर आएंगे तो अपना ई पास लेके आइएगा या अपना वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट लेके आइएगा, तो आपको मिनिमम 7 डेज यहाँ स्टे करना पड़ेगा। अगर आप 7 डेज स्टे नहीं कर सकते हैं तो आपको कोई भी होटल रूम नहीं देगा। अभी हम लोग यहाँ बहुत परेशान हुए, हमने इधर उधर बहुत जगह पता किया बट कहीं से भी हमको रूम नहीं मिल रहा था। फाइनली जब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे तो एक होटल रास्ते में पड़ा है, होटल का नाम जो है मैं अभी आपको डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा। उस होटल में हमने लास्ट ट्राई किया तो भैया को हमने प्रॉब्लम्स बताई तो भैया एग्री हो गए हैं, तो उन्होंने जो है हमको होटल दे दिया है और बहुत शानदार होटल है वाकई। जिस बजट में हमने इस होटल को लिया है उस बजट के हिसाब से बहुत शानदार है। एक बार मैं आपको रूम का ओवरव्यू दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका प्राइस बताऊँगा कि किस प्राइस में, और अगर आप में से कोई भी इस समय यहाँ आ रहा है या फ्यूचर में कभी आता है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस होटल में स्टे ले सकते हैं। मैं एक बार आपको ओवरव्यू देता हूँ। तो ये मेरा रूम है और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर का पूरा व्यू, और अभी सबसे अच्छे तो मुझे इसके स्विच लगे हैं, बहुत ही अच्छे स्विच हैं इसके, और एक शैतान यहाँ सो रहा है, ठीक है जी। यार बिना कैप के मत, और ये आपको रूम अभी दिखेगा पूरा। यहाँ एक वार्डरोब दिया है, इसमें आप जो है अपने कपड़े वगैरह रख सकते हैं, हमने अपने कपड़े वगैरह इसमें रखे हुए हैं, और एक टेबल दी है जिसके ऊपर आप अपना कुछ सामान रखना चाहें रख सकते हैं। इस तरफ आएंगे तो एक बहुत अच्छा टीवी लगाया हुआ है, और आप देखेंगे तो एक ब्रांड की चीज़ ये लगी हुई है, कोई लोकल नहीं लगाया हुआ, सोनी ब्रांड का ये लगा हुआ है। एक रेफ्रिजरेटर दे रखा है, ऊपर कॉफ़ी मशीन दे रखी है। ये यहाँ से व्यू है, अगर आप ये व्यू लेना चाहें तो आप ये व्यू भी ले सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम है जो काफ़ी ही अच्छा है, इन्होंने बेसिक किट भी दी हैं सारी, शेविंग किट, कॉम, सोप, शैम्पू, मॉइस्चराइज़र, ड्रायर, तो काफ़ी चीज़ें इन्होंने जो है हमको यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। और एक सबसे बेस्ट चीज़ मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वो है ये, आप जो हैं यहाँ पे बैठ सकते हैं, और मैं आपको जो है ये देखिए ये तो गाइस बहुत अच्छा मुझे लगा, तो मैं बस यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ आए तो आप यहाँ जो है स्टे जरूर, बहुत अच्छा है। और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है इसका प्राइस जो हमें पड़ा है वो 1000 रुपीज़ पड़ा है। 1000 रुपीज़ में आपको इतनी सारी फैसिलिटी दे रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तब तक अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर थोड़ा सा टहलने के लिए, उसके बाद कल मिलते हैं।